हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना। आप देख रहे हैं कल्पना किचन। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोवा का स्पेशल चिकन शागुती। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चिकन शागुती बनाने के लिए अब हम मसाले देख लेते हैं। तो मैंने 8 सूखा मिर्ची लिया है रेड, आधा चमचा हल्दी लिया है, 2-3 पीस मैंने स्टार एनिस लिया है, 8 ब्लैक पेपर लिया है, 2 ब्लैक इलायची ली है, दालचीनी ली है मैंने छोटे 4 पीस, 8 मैंने क्लॉ लिया है, नटमेग मैंने लिया है, पॉपी सीड, जावित्री, जीरा, फेनल सीड्स और कोरिएंडर। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, आधा चम्मच मैंने हल्दी लिया है, कोरिएंडर मैंने लिया है, अदरक 4-5 मैंने छोटे पीस कट कर लिया है और लहसुन की 12 कलियां ली हैं छोटी, और मैंने 4 मीडियम ओनियन लिए हैं और 1 मीडियम कोकोनट लिया है। अब हम ये सब ग्रीन पेस्ट करके चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन मैरिनेट करने के लिए हम अभी ग्रीन पेस्ट बनाएंगे। अब हमने ग्रीन पेस्ट तैयार की है तो हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। हमने ग्रीन मसाला तैयार करके रखा है, वो अब हम चिकन को लगा के मैरिनेट करेंगे और आधा नींबू का रस उसमें डालेंगे और 1 घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ेंगे। मैंने 1 किलो चिकन लिया है। अब हम गैस चालू करेंगे और गैस के पैन चढ़ाएंगे, थोड़ा तेल डालेंगे और गरम मसाला सॉटे करेंगे। हमारा अभी मसाला रेडी हुआ है, थोड़ा ब्राउन हो रहा है तो हम अभी गैस बंद करेंगे। तो धीमी सी खुशबू आने से मसाले का पता चलता है कि मसाला अभी रेडी हुआ है। अब हम गैस बंद करेंगे, तेल डालेंगे और ओनियन थोड़ा सेक लेंगे। ओनियन गैस थोड़ा तेज करेंगे और इसको गोल्डन कलर आने तक उसको सेकना है। बाद में उसमें कोकोनट ऐड करना है। अब ये कोकोनट और ओनियन का सब ये मिश्रण अब गोल्डन ब्राउन हुआ है तो अब हम गैस बंद करेंगे। जो गरम मसाला हमने भून के रखा था वो अब हम पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के वो ग्राइंड करना है।
हमारा गरम मसाला अभी रेडी है और अब हम नारियल और ओनियन का पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनाना है और इमली का पल्प इसमें थोड़ा ऐड करना है। हमारे कांदा और कोकोनट की पेस्ट अब रेडी हो गई है। अब हम गैस चालू करेंगे, इसमें ओनियन डालना है, थोड़ा तेल ऐड करना, थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम उसे उसमें चिकन ऐड करेंगे। अब ओनियन अब थोड़ा गोल्डन हुआ है तो हम उसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हम थोड़ा सोटे करेंगे। चिकन सोटे हो गया है तो अब इसमें हम गरम मसाले की पेस्ट डालना है। एक उबाल आने के बाद उसमें नमक डालना है। बाद में चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं। अब हमारी नारियल और ओनियन की पेस्ट डालेंगे। को हम एक उबाल आने देंगे। थोड़ा उसको अभी पकने देंगे। हमारी चिकन शाबुती अब रेडी है तो हम फ्लेम बंद करेंगे और धनिया से उसको गार्निश करेंगे। हमारी चिकन शाबुती रेडी है तो अब हम सर्व करेंगे। कोरिएंडर उस पे डालेंगे।